don't want to take the name, but I am done with some HOD of medicine, HFH. He won't take a name, like an MU2. और गाइज ये हम लोग अब HFH में आ चुके हैं फाइनली, और ये हमारा YDA कैफे जो कि बहुत ही और हम लोग कहीं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कहीं बाहर जाएंगे। गाइज अब हम लोग की क्रीम आ चुकी है और ये मोइज ने अपनी तरह हमें एक सस्ती क्रीम करा के दिया, वरना हम तो बिजनेस के अलावा किसी में ट्रैवल नहीं करते। हमाद आगे हो, वरना मैं अभी बहुत कुछ सुना भी सकता हूँ तुम्हें। उस तरफ से बस जब बिल की बारी आएगी तो फिर हम देखेंगे कि आपके हमारे साथ कितने पैसे निकलते। गाइस जैसे यू कैन इग्नोर हिम क्योंकि हम भी इसे कोई अप्रिशिएट नहीं देते, और जैसे हमाद मी और आपने हमारा सेंटोरस का व्लॉग अभी तक देख चुके होंगे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, तो और इस वक्त तक हमारे एग्जाम्स हो रहे होंगे और इस वक्त तक इंशाल्लाह हमारा ब्लॉग भी हो चुका होगा। बस दुआ कीजिएगा कि उसका अच्छा रिजल्ट आए। और नाउ वी टू ईट समथिंग, दिस इज आवर हॉस्पिटल होली फैमिली। एंड लोगों को ये भी तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ तो अभी वो सरप्राइज है। मेरी बात सुनो, ये बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। मैंने तो उसे रिकमेंड किया है कि तू जो है वो। सो गाइस दिस वाज द सरप्राइज और हमाद ने चूस मार दी जो आपने सुन ली होगी। सो लेट्स फाइंड द गाय हु कुक्स। सो गाइस दिस इज अ स्मॉल कैफे बट आई थिंक इट्स लवली। यस गो। और हमारी सब लगेगी भी तो तमीज वाली हरकतें करो। मोइज जो यहाँ पे एक डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर खुर्रम के वार्ड इधर है, आप इन्हें देखा करें। और मैं, मुझे तो आप जानते ही हैं। और चले मैं इस जगह के रिव्यू दे देता हूँ कि दिस इज सच अ नाइस ब्यूटीफुल प्लेस एंड This was the guy who cooks जब ये आए थे। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए छोटी सी जगह चाहिए और कोई टैलेंट चाहिए, वो भी हम देखेंगे। हेलो, हेलो सामा, वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस अब हमने ऑर्डर दे दिया और आई होप अच्छा हो। वैसे तारीफें तो बहुत सुनी है इनकी, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। एवरीवन इज एक्साइटेड टू चेक आउट दिस। आई एम नॉट एक्साइटेड एट ऑल। हाँ, जिसका आपने अंदाजा लगा लिया इसकी हंसी से। यार क्यों तुम्हें खांसी आ रही है करोने? सीरियसली ये लोग होते हैं स्क्रब्स पहन के जो डॉक्टर्स का नाम इन्होंने बर्बाद किया हुआ है, खराब किया हुआ है। दिखाओ आपका चेहरा, दिखाओ। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। दिस इज फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट में इस तरह की चीजें होती है। माफी दे दे यार, लेबनान में कैसी चीजें होती। तो यार तुम्हें जीपीए कैसे पता है जब तुम हंजा भी इवन हमारे साथ नहीं आ सके। अच्छा मतलब जो चीज ना थी और तो उसका पता ही नहीं होता जी। गाइस यहां पे थोड़ा सा मसला हो गया कि एहसान बर्गर्स नहीं खाता और दुनिया, और अब हम लोग उसके लिए कोई अल्टरनेटिव प्लेस। यू शो मी योर फॉलोअर्स, मी अपने फॉलोअर्स को मैं दिखाऊं। ये मुबशिर को भी देख ले, जिसने नया स्क्रब्स नहीं आ रही वो अभी उतारते नहीं है, हर वक्त पहन के तीन दिन से ही घूम रहे हैं। और जो कि अच्छा कलर है, मैं भी यही लेने वाला हूँ इंशाल्लाह। इसके भी सुन लो, हाँ अभी तुमने स्टेथ्स नहीं गले में लटकाया हुआ। व्हाट्स द पॉइंट? किसने हिस्ट्री थी आज नहीं
गाइस नाउ वी आर डिस्कसिंग आवर पेशेंट्स एंड आवर पेशेंट केयर और यही अच्छे फाइनल ईयर स्टूडेंट की निशानी होती है कि वो हम लोग कभी भी अपने वार्ड्स और अपने बेड्स को छोड़ते नहीं हैं जो हमारे हॉस्पिटल में ड्यूटीज लगी होती है. सो या ये हमारे अफगानी समथिंग था अफगानी रैप डिलीशियस बर्गर ये आप देख सकते हैं ये. और अब हम लोग जो है जा रहे हैं किसी जगह बैठने के लिए क्योंकि वो अंदर उनकी इतनी स्पेस नहीं थी और हम लोग ज़्यादा बंदे थे. सो लेट्स गो. तो गाइस वी आर डन ईटिंग ये आप देख सकते हैं हमने कितना गन उचाया है. अब हम सबसे पूछेंगे कि कैसा था उनका बर्गर. मेरा और मुबशर और उसामा का एक बर्गर था. उसामा कैसा बर्गर था यार. अभी कमिंग सून वाला गाना आ गया उनका और फुल मार्क्स है बर्गर ये सब वो है ना. और मोइज आपका कैसा बर्गर था. ये बहुत अच्छा बर्गर था आप लोग को ट्राई करना चाहिए. ओके अरे हमार तो अरे अफगानी रैप कैसा था. नहीं गाइस इसका अफगानी बर्गर इतना अच्छा नहीं था लेकिन बर्गर्स बहुत अच्छे थे. उन्होंने हमें साथ कॉम्प्लीमेंट्री सो गाइस हमार का बिल्कुल अच्छा नहीं था लेकिन हमारे काफ़ी अच्छे थे. उन्होंने साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी दी हैं और कोक भी लेकिन कोक नहीं हमारे पैसों की थी. तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ द गाय हु क्या. ये गाइस आपको पता है कि आसान बर्गर्स नहीं खाते जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था तो इन लेकिन इनके लिए हम कुछ और अच्छी से खाने की चीज़ अरेंज करते हैं. ये क्या डिस्कस हो रहा है. वो बीबीएच की दाल. तो हमारा तो ये दाल के ताने दे रहे हैं. दाल के ताने कहते मेरी किस्मत थी यार. मैंने कभी किसी को ताने दिए. ये सबसे घटिया और सबसे बुरी तो मत है मेरे पर दाल में बात करते हैं लेकिन आसान बर्गर से जरूर बात करते हैं. क्या बर्गर को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए कि क्या बर्गर फैंसी फूड है तो इसका ये मतलब है कि बर्गर को इंसान किसी भी तरह ट्रीट करे. इसका मुझे कमेंट्स में बताएं. गाइस अब खाने के बाद अब हम लोगों को चाय की तलब हो गई क्योंकि अब नींद आना शुरू हो गई थी और अब हमने वापस वार्ड जाना है मोस्ट प्रॉबली. तो अब इसलिए हम लोग चाय पियेंगे. तो आपको जैसे पता है डॉक्टर खुर्रम का वार्ड है तो अब हम लोगों ने इवनिंग लेनी होती है. तो अब हम लोग इवनिंग के लिए थोड़ा जाग रहे हैं और अब हम लोग क्वेटा से चाय पी रहे हैं. देर इट इज़ अगर आपको नज़र आ रहा है. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. Subscribe to my channel and like this video.